इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा, आपको क्या लगता है? क्या कह रहे हो विक्की भैया? अब यार मैं ये देख रहा हूँ, टेंशन में हूँ कि जैसे ये टिकट तो तेरी हो गई हाँ, और ये वाली टिकट मेरी हो गई हाँ, तो बेचारा ये गरीब कैसे जाएगा, ये कैसे जाएगा? भाग गई भाई, अपनी टिकट के लिए कॉल आ चुकी है। अपना मुकुल के फोन में हम इंस्टाग्राम ऑन करके पुनीत की आईडी खोल देंगे, बस स्क्रॉल करता रहेगा। मुकुल टिकट मिल गई, एंड ये है हमारा टिकट। 12:30 बज रहा है रात का और अभी हमें टिकट लेने जाना है। मतलब इसका जो टिकट मैं ले रही हूँ ना, उसमें से मैं ना अपने कोई भी जो व्यूअर्स है ना उसको लेके चलती हूँ मैच देखने के लिए। Hey guys, so आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि हम देखने जाने वाले इंडिया पाकिस्तान का मैच, वो भी लाइव। अहमदाबाद का जो स्टेडियम है वहां हम जाने वाले हैं और इंडिया पाकिस्तान की मैच पहली बार मैं लाइव देखूंगी। इससे पहले मैंने इंडिया का मैच देख रखा है लाइव, हमारे रायपुर में ही हुआ था, लेकिन इस बार क्या है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। तो आपको पता ही है कितना ज्यादा क्रेज है इंडिया पाकिस्तान के मैच का, आप लोग भी देखना चाहोगे कि कैसा होता है। तो मैं ये गुड न्यूज जाती हूँ और मुकुल को देती हूँ, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। हम दोनों जाएंगे साथ में, मैच देखेंगे, मजा करेंगे। बोलते मुकुल गई, मुकुल टिकट मिल गई। मिल गया, यस टिकट मिल गई फाइनली, लेकिन महंगी मिली है। अब की बार महंगी मिली है, हमें जो सस्ती टिकट मिल रही थी ना हाँ। वो सेल आउट हो गया। कितने में? हमें पहले 24,000 में टिकट मिल रहा था, दो टिकट, लेकिन अब क्या हुआ ना, हमने उसको कम करवाया, बोला कि 20 ले लो, 21 ले लो बोला ना, तो उसने किसी और को सेल आउट कर दिया, उसको सेल कर दिया। नेगोशिएशन के चक्कर में हम घाटे में आ गए यार। कितने में मिला? अब हमें 32 में मिल रहा है। कितना किस्मत खराब है यार, 32,000 की दो टिकट मिल रही है अभी हमें। मुकुल का रिएक्शन देखो यार, वैसे ही क्या बोले यार, इतना ज्यादा महंगा। लेकिन इंडिया जीतेगा ना तो पैसा वसूल लगेगा, क्या बोलते हो? नहीं जीता ना, तुमसे लूंगा पूरा पैसे। ठीक है, मेरे से लूंगा क्या, तुम्हारा पैसा मेरा पैसा एक ही है, मेरा जाए तुम्हारा जाए, की बात ओ, ये इसमें नहीं है भाई। वाओ क्या बात है, सही है। प्रॉब्लम ये है कि गाइस पहले हमें टिकट मिल रहा था 24,000 का, मतलब 24,000 में हमें दो टिकट मिल रहा था, लेकिन हम उसको बोलने लगे कि नहीं यार 20 कर लो, 22 कर लो। तो इस चक्कर में ना हमारे हाथ से टिकट छूट गई, किसी और को उसने सेल कर दिया, और अब हमें जो मिल रही है वो मिल रही है 32,000 की टिकट। बट क्या करें, अभी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि दिल से इच्छा है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच देखूं। मुकुल गई, अभी हमें जाना है टिकट लेने के लिए। रात के कितने बज रहे? 12:30 बज रहा है रात का और अभी हमें टिकट लेने जाना है, क्योंकि हम मिस नहीं कर सकते। पहला वाला, पिछला वाला जो टिकट है वो छूट गया इसी कारण हमारे हाथ से। तो अब की बार हम सोचे कि जैसे ही वो एड्रेस बताते तुरंत हम निकलेंगे और टिकट लेके आएंगे। गाइस मुकुल गाइन मेरे को उतना एक्साइटेड नहीं लग रहा है, देखो बिस्तर से उठ ही नहीं रहा है, मैं बोल रही हूँ कब से टिकट लेने चलना है लेने चलना है। तो इसको रहने देते हैं, इसका वाला जो टिकट है ना, आप में से अगर किसी को जाना है तो आप मेरे को कमेंट में बताओ, मैं आपको लेके चलती हूँ इसके जगह पे। मतलब इसका जो टिकट मैं ले रही हूँ ना, उसमें से मैं ना अपने कोई भी जो व्यूअर्स है ना उसको लेके चलती हूँ मैच देखने के लिए, क्योंकि इसका तो दिख नहीं रहा है मेरे को, एक्साइटमेंट देखो ना पड़ा हुआ है। हाँ 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 कर रहा है भाई, दिल्ली जाने की बात, इनकी बात हो रही है, इनकी बात हो रही है। कौन सी टिकट? ये प्लानिंग कर रहे हैं सोमिल भाई की, अगली बार से मैं टिकट बेचूंगा बहुत पैसे। नहीं सच में हमसे कितना लूटा गया है बताओ, है ना, धंधे वाली बनेगी, ओ धंधे वाला बनेगा ये। क्या हो भाई, अपनी टिकट के लिए कॉल आ चुकी है और हम निकल रहे हैं अभी टिकट लेने के लिए, बातचीत चल रही है यहाँ पे, फाइनल कॉल आ चुका है और अभी हम निकलेंगे टिकट लेने के लिए। टिकट लेने के लिए बहुत मुश्किल से सोमिल भाई ने हमें टिकट दिलवाया है, और विक्की भैया हमारे साथ चल रहे हो कि नहीं? आप पे तो टाइम ही नहीं है, सपोर्ट करने जा रहा हूँ इनको, आप पे तो टाइम ही नहीं है, लेकिन टाइम नहीं टैलेंट भी तो नहीं है। कारी चाबी नहीं, टैलेंट तो है विक्की भैया, सिंगर तो बहुत अच्छे हो आप, मेरे बाइक पास है तो ये बोलने के जितने पैसे मिले तुझे वापसी करो। ये बोलने तो हम निकल चुके हैं टिकट्स लेने के लिए और यहाँ पे आके हम वेट कर रहे हैं, अभी लोकेशन वो भेज रहे हैं, फिर हम जाएंगे टिकट लेने के लिए। उससे पहले हमें कैश निकालना पड़ेगा और फिर उनको कैश देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी है गाइस अभी। और ऐसा हो रहा है कि टिकट मिल जाए बस, और उसके बाद हमारे फ्लाइट या ट्रेन की टिकट हमें वो भी करवानी, क्योंकि सारी चीज़ें वेटिंग चल रही है, तो समझ नहीं आ रहा कि कहाँ का टिकट मिलेगा, जो भी मिलेगा हम वो करवा लेंगे। तो ये भाई हमें दिलाए हैं टिकट और ये मिल चुका है हमें टिकट, दो टिकट मेरे और मुकुल के लिए। सोमिल भाई ने अपना टिकट पहले से कर रखा था,
सो ये फाइनली हमें अपना टिकट मिल चुका है। मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ना ये देखने के लिए मैच, मतलब मेरे को देखना ही था इंडिया पाकिस्तान का मैच और टिकट कहीं मिल नहीं रही थी, अचानक से ये मिला टिकट। हम आ चुके हैं घर, मुकुल पार्किंग में गाड़ी लगा रहा है एंड ये है हमारा टिकट इंडिया पाकिस्तान मैच का और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं और आप लोग भी एक्साइटेड हो गए मैच देखने के लिए। आप लोग कहाँ देख रहे हो मुझे जल्दी से बताओ, आप स्टेडियम आ रहे हो या फिर घर पे देख रहे हो बैठ के, वो बताओ मुझे कमेंट में। एंड आप में से कितने लोग क्रिकेट के फैन हैं और आपको इंडियन प्लेयर में से, मतलब इंडियन टीम में से कौन सा प्लेयर सबसे बेस्ट लगता है वो मुझे कमेंट में बताओ। एंड आपको क्या लगता है ये बताओ कि इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा, आपको क्या लगता है जल्दी से बताओ मेरे को कमेंट में। मेरा फेवरेट 3 लोग हैं इंडिया से, मतलब ऐसे तो पूरी टीम फेवरेट है मेरी लेकिन सबसे ज़्यादा पसंद है तो विराट कोहली, हार्दिक पांड्या एंड शुभमन गिल, तो ये तीनों को स्पेशली मैं देखने के लिए जा रही हूँ। ये मुकुल गैन की गाड़ी पार्क हो चुकी है, मतलब गाड़ी तो है इंदौरी भाई की लेकिन मुकुल गैन ने पार्क कर दिया है गाड़ी को और हम चलते हैं ऊपर। ये हम पहुँच गए हैं और बेल बज रही है। क्या दिखा रहे हो मुकुल, तुम वो दिखाओ ना जो कल दिखाए थे। भाग गई, अरे तो हम तो बुर्ज खलीफा दिखाने वाले थे अभी। रोकी नहीं विकी भैया, मैं तो भाई बहुत जल रहा हूँ इस टाइम, जलो जल मेरे ऊपर रोटियां सेक लो। आपको नहीं देखनी है, मैं और यही तो जा रहे हैं, चल भाई चले। उनको जाना है ले चलो, हम चलते हैं, तुम क्या करोगे जाके। अच्छा तो भाई ये 2000 रुपए की टिकट किसी को चाहिए, 2000 में, 2000 क्या, हमें तो 30 में मिली, मैं तो 1500 में भी दे दूंगा, मेरे कौन से पैसे लगे। क्या कह रहे हो विकी भैया, यार मैं ये देख रहा हूँ, टेंशन में हूँ, जैसे ये टिकट तो तेरी हो गई हाँ और ये वाली टिकट मेरी हो गई हाँ, तो बेचारा ये गरीब कैसे जाएगा, ये कैसे जाएगा, सच बात है। मैं सोच रहा हूँ कि इसको इसमें डाल के इसको घर कोरियर कर दूँ और इस पे हम चले दोनों। हम तो इस पे जा रहे हैं, अब वो अपना देख लेगा है ना, देख लेगा। तो भाई सोना और चांदी, सॉरी मैं हीरा हूँ, सोना और हीरा हम जा रहे हैं, तो इधर ये टिकट में मैच देखने, मैच देखने इंडिया पाकिस्तान का मैच, और हम इंडिया को जिता के आएंगे और खुद भी हम पैसे जीत के आएंगे बहुत सारे, और ये बेचारा मुकुल घर जाएगा। एक और काम हो सकता है, ये अपना मुकुल के फोन में हम इंस्टाग्राम ऑन करके पुनीत की आईडी खोल देंगे, बस स्क्रॉल करता रहेगा। हम 7-8 घंटे का मैच देखेंगे और ये 7-8 घंटे पुनीत को। तुम देख सकते हो 7-8 घंटा पुनीत को। अरे पुनीत खुद नहीं देख सकता अपने आप को 7-8 घंटे, कहता है कि जब भाई मैं अपना अपना खुद को देखता हूँ ना अपनी अपनी वीडियो, तो कह रहा कभी कभी तो मुझे खुद लगता है कि यार इतनी चुते आप हमें कैसे कर देता हूँ। ये सच में उसको रियलाइज होता है, कहता है भाई वो कि भाई मैं खुद अपनी वीडियो नहीं देख सकता, उसको एम्बैरेसिंग लगता होगा ना, एम्बैरेसिंग फील। टैलेंटेड भी तो है ना भाई वो, टैलेंट तो फुल है, मतलब जितनी टैलेंट तो हम पे नहीं। ए बाबा बताओ तुम में क्या टैलेंट है, अब कुछ नहीं, क्या डांस ही तो कर सकते हो, कोई वो टैलेंट थोड़ी है। मुकुल में क्या टैलेंट है, डांस रियलिटी शो वगैरह करके, कोई टैलेंट थोड़ी है। टैलेंट क्या है भाई, मुंह पे पाउडर मारो, अपने सर पे चप्पल रखो, छाती पे चप्पल रखो, टॉयलेट साफ करने वाला ब्रश रखो, तो माने वो टैलेंट है। तुम में कोई टैलेंट थोड़ी है यार, मुकुल में कोई टैलेंट थोड़ी है यार, सोना में तो वैसे टैलेंट नहीं है। तो गाइस ब्लॉग को यही एंड करते हैं और मिलते हैं कल जब हम जाएंगे जर्सी लेने के लिए और उसके बाद हम निकलेंगे अहमदाबाद के लिए। तो यही पे एंड करती हूँ ब्लॉग को, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।